जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे सिविल इंजीनियर भाइयों। सबसे पहले तो मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन करके देना चाहूंगा। मैं SB कुलकर्णी, मैंने 1980 में VJTI मुंबई से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी है। उसके बाद में मैंने 11 साल कंस्ट्रक्शन साइट में काम किया, इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे बिल्डिंगें बनाई। उसके बाद में 91 में मैंने मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस किया और आदित्य बिरला ग्रुप सीमेंट डिवीजन मैंने ज्वाइन किया एज अ टेक्निकल सर्विसेज मैनेजर। और वहीं से मैं 2017 में रिटायर हो गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल सर्विसेज। और रिटायरमेंट के बाद में मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ। अभी फिलहाल मैं जो है टेक्नो मार्केटिंग कंसल्टेंट के हैसियत से ड्यूरोक्रेट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ड्यूरोक्रेट जो है इनकी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो रहता है तो इन सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का NABL और IAS एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज की इनकी चेन है महाराष्ट्र में, और मैं उनका टेक्नो मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबका इस्तेमाल करता हूँ आज के ये 32nd वेबिनार में, जो टाटा टिस्कॉन की ई डिस्कवरी सीरीज का पार्ट है। मैं टाटा टिस्कॉन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का और बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मॉनसून इस टॉपिक पे ये वर्कशॉप कंडक्ट करने का जो मौका उन्होंने दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ बम्बई में तो सॉरी मुंबई में तो बहुत अच्छी खासी रेन हो रही है। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ भी रेनी सीजन ही रहा होगा। एक्चुअली रेनी सीजन तो ऐसा सीजन है ना, इसमें घर में बैठो, घर के विंडो से बाहर रेन को देखो, घर में गरम पकौड़े अदरक वाली चाय पियो। तो एनीवेज, हम लोग आज बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मॉनसून की बात करेंगे। और ये जो आपके अगर दिन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो उनको जो है आप हमारा जो क्वेश्चन बॉक्स है उसमें आपके क्वेश्चन आप लोड कर सकते हैं। मेरा जैसे प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये मेरा प्रेजेंटेशन तकरीबन 1 घंटा चलेगा, तो उसके बाद में जो है मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो चलते हैं फिर, आज का जो प्रेजेंटेशन जो है उसका आगाज करते हैं। स्लाइड जो है
तरह टेक्निकल प्रॉब्लम है, स्लाइड आगे नहीं जा रही है, तो मैं थोड़ी सी हेल्प जो है यहाँ मेरे ऑर्गेनाइजर है उनको हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। स्लाइड आगे नहीं जा रही मेरी। एक सेकंड, स्लाइड अटकी हुई है। इट इज नॉट गोइंग अहेड। तो मित्रों, आप आपका जो माइक है सबका म्यूट किया हुआ है, तो और आपके जो क्वेश्चन है जैसे कि मैंने कहा आपको अपलोड करने हैं क्वेश्चन बॉक्स में, हम बाद में जो है अटेंड करने की कोशिश करें। तो हम आज जो है रेन और उसका जो इम्पैक्ट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी ये रेन जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कैसे अफेक्ट करता है, एक तो ओवरऑल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जो काम हमने प्लान किया होता है वो करने में काफी दिक्कतें आती हैं, फिर बहुत सारे जो काम होते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर को अबैंडन करने पड़ते हैं, मतलब वो काम जो है बंद करने पड़ते हैं या तो फिर उसको अगले दिन के लिए रखना पड़ता है कि चलो भाई इंतजार करो जब बारिश रुकेगी तो काम करेंगे। बारिश से जो है प्रॉपर्टी को और अपना जो साइट में जो मटेरियल यूज करते हैं उसका उसको भी काफी डैमेज होता है, फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है क्योंकि मटेरियल जो है डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, लोग बैठे रहते हैं, काम नहीं होता है, उनको बिठा के पगार देना पड़ता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, फिर टाइम का तो लॉस ही है, जो काम एक चार दिन में होना चाहिए बारिश के चलते हो सकता है 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, टाइम लॉस होता है। तो इसमें कौन कौन लोग हैं जिनको ये बारिश की वजह से नुकसान होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है साइट का जो हेड होता है, अभी वो बेचारा क्या करे, पूरा साइट में सिस्टम रेडी है लेकिन बारिश की वजह से काम रुका पड़ा है, तो साइट इंजीनियर और सुपरवाइजर जो है वो भी जो है अफेक्ट हो जाते हैं, कुछ का जो प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं कर पाते, कॉन्ट्रैक्टर भी अपने सारे लेबर को लेकर के साइट में बैठा हुआ है तो लेबर खाली बैठी है, बारिश में काम नहीं हो रहा है, सबका पगार चालू, सबकी सैलरियां दे रहा है, फाइनेंशियल लॉस, काम नहीं निकल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो काम करने के लिए आते हैं साइट पे लेकिन काम नहीं कर सकते, फिर जो विजिटर होते हैं साइट में आने वाले जैसे कि आर्किटेक्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं या वेंडर्स हैं, तो उनको भी जो है साइट में आने में काफी दिक्कतें हो जाती हैं। तो जब बारिश अभी आई है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप सब लोग रेडी हैं, आर यू रेडी विथ मॉनसून प्रिपेयर्डनेस? तो मॉनसून प्रिपेयर्डनेस क्या होता है, एक तो अपना डैमेज कंट्रोल प्लान रेडी होना चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम लोग लेने वाले हैं बारिश में जो नुकसान होने वाला है उससे बचने के लिए या वो नुकसान को कम करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने हैं, तो क्या हमारा उसके लिए प्लान रेडी है? तो मॉनसून की जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें हमें अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, एक तो जो हमारे सिविल वर्क्स है जैसे एक्सकेवेशन होता है, ट्रेंचिंग होता है, उसके बारे में क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, साइट के जो अप्रोच रोड है, साइट की जो एक्सेसिबिलिटी है उसमें हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं प्रिपेयर्डनेस वो देखेंगे हम लोग, फिर
साइट में स्लिपरी सिचुएशन होती है, लोग वर्कर्स हैं या वहां जो काम करने वाले लोग हैं उनके गिरने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हमने क्या प्रिपेयरनेस करी है, हमने क्या सिस्टम और प्रैक्टिसेस फॉलो करने की सोच के रखी है, उसकी क्या प्रिपेयरनेस है। तो साइट में पूरा जो मटेरियल यूज हो रहा है जैसे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट्स है, शटरिंग मटेरियल है, ये सारा जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। फिर जो साइट में जो इंटरप्शन हो रही है, प्रोजेक्ट जो है अपना डिले हो रहा है, तो उसका जो है उसके लिए हम लोग कैसे मतलब क्या कर रहे हैं उसको कम करने के लिए। साइट में बहुत सारी हेवी हेवी इक्विपमेंट और मशीनरीज लगाई होती हैं काम करने के लिए, तो उसको जो है ठीक से चलाने के लिए क्या हम करेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो काम कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट वगैरह जो होने का जो पॉसिबिलिटी है तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चांसेस उसके जो होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने के साइट में वगैरह। फिर जो वर्कर जो है वो लोग साइट में जो रहते हैं क्या उनके रहने के लिए जो सुविधा भी है, क्या उनके जो टेम्पररी क्वार्टर हैं क्या वो बारिश में रहने लायक है या नहीं है, तो उसकी प्रिपेयरनेस क्या है, तो इसके बारे में जो है हम लोग आज बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। Again, I think there is some technical problem and slide is not moving ahead. So I don't know. बार बार ये स्लाइड आती जा रही है। अच्छा, तो अभी हम शुरुआत करते हैं एक्सकेवेशन वर्क से। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोटो में ये जो ट्रेंचेस जो छोटी छोटी हम लोग जो ट्रेंचेस अनवांटेड जो ट्रेंचेस होती हैं अगर उसमें कुछ काम नहीं करना है तो उसको क्या है मुरम से या पत्थर से बैकफिल करके उसको बंद करके रखना है, वरना क्या होगा उसमें पानी जमा होगा, लोग उसमें गिर जाएंगे, एक्सीडेंट होएगा, कोई डूब जाएगा उसमें। फिर उसके बाद में जो है जो ट्रेंचेस है जो पिट्स है तो उसको हमको उसके साइड में बैरिकेड करना है। बैरिकेड करना मतलब उसके साइड में प्लैंक्स लगा के उसमें कोई ना गिरे, इसके लिए एक तरह से एक कंपाउंड वॉल जैसे होता है ना, फेंसिंग जैसे करना है। फिर उसकी जो जो ऑलरेडी पिट्स हमने करके रखी है, एक्सकेवेट करके रखी है, तो उसमें मट्टी जो है वो गड्ढे में ना गिरे, उसके लिए उसको जैसे यहाँ बताया है ये स्ट्रटिंग और शोरिंग कहते हैं इसे, तो ये वुडन या मेटल के ये शीट्स हैं तो उसको जगह में खड़े करके पूरे एक्सकर्शन के डेप्थ में उसको ये सपोर्ट सिस्टम लगा के रखी है हमने, और फिर बाद में बीच में यहाँ जो है ये काम हो सकता है। अभी कंक्रीटिंग अगर करनी है हमें ड्यूरिंग मॉनसून तो पंप जो है पंप सेट्स अपने को रेडी रखने पड़े, क्योंकि बारिश में तो चलो मिट्टी जो है बारिश के चक्कर में गड्ढों में गिर सकती है तो हमने प्रिकॉशन भी ले लिया, लेकिन पानी अगर घुस गया गड्ढे में तो क्या करेंगे, उसमें काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए पंपिंग सिस्टम जो है रेडी रखने पड़ेगी, पंप रेडी रखने पड़ेंगे, और जो पानी जो अंदर जैसे जमा हुआ है आप देख सकते हैं ये पंप लगा हुआ, तो इससे पूरा उसको पानी निकाल के ड्राई करके फिर उस पिट में हम लोग काम कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी जो है रोड की बहुत इम्पोर्टेंट है साइट में, आप जहां से आपके ट्रक के आते हैं मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे अभी एक सीमेंट का ट्रक है तो इसको साइट के अंदर जाना है गोडाउन के अंदर, तो वहां सीमेंट का जो ट्रक है उसको साइट जहां से वो एंट्री कर रहा है वहां से उसको गोडाउन तक जाने वाला जो रोड है वो पक्का चाहिए ना, कच्चा रोड रहेगा ऐसे जैसे गड्ढे हैं वो कहीं लुढ़क जाए
या कहीं फंस जाए, उसका चक्का जो है कहीं मिट्टी कीचड़ में फंस जाए तो कैसे चलेगा इस। तो रोड जो है, एक्सेस जो है रोड साइड का जाने का जो है, तो उसमें से आदमी लोग भी जाएंगे और मटेरियल जाएगा, सारे इक्विपमेंट जाएंगे। तो रोड जो है बारिश होने से पहले ही सारे पक्के होने चाहिए, और बारिश के दौरान अगर रोड खराब भी हो जाता है तो उसकी इमीडिएटली मरम्मत होनी चाहिए। अभी कंक्रीटिंग अगर करना है मानसून के सीजन में तो बहुत सारी प्रिकॉशंस रहनी पड़ेगी। अगर सडनली आपने कंक्रीट चालू कर दिया समझो, इतना आधा काम हो गया आपका और एकदम बारिश शुरू हो गई तो क्या करेंगे आप? तो आपके पास टार्पोलिन जो है या प्लास्टिक शीट्स रेडी रखनी चाहिए काम शुरू होने से पहले, ताकि ये जो कंक्रीट जो किया हुआ है उसको इमिडिएटली कवर करके वो पानी में बह न जाए, इसकी आपको व्यवस्था करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी बारिश जोर से आती है कि प्लास्टिक शीट डालने के अंदर अंदर कंक्रीट जो है बह जाता है, उसमें का तो पूरा सीमेंट है पूरा निकल जाता है। तो ऐसी केस में क्या करना है हमको? ऐसी केस में वो पुरानी जो गिट्टी और रेत जो पड़ी है वो सारे हटा के आपको फ्रेश कंक्रीट करना ज्यादा उचित है। अभी आप देख सकते हैं जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो ये छोटा मिक्सर है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये छोटा मिक्सर है जो साइट में यूज कर रहे हैं। यहाँ हॉपर्स हैं ये छोटे छोटे, ये रेडीमिक्स कंक्रीट वाला ट्रांजिट मिक्सर है, इसको व्हील बैरो कहते हैं। तो बारिश में कंक्रीटिंग करते हुए कुछ इश्यूज ये आते हैं, जो एग्रीगेट्स जो हैं जो हम लोग ओपन में अगर स्टोर कर रहे हैं तो वो उसमें पानी एब्सॉर्ब हो जाता है, और उसके चलते हुए क्या होता है, आप जो वाटर सीमेंट रेशियो आपने फिक्स किया है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो ऑलरेडी पानी जो एग्रीगेट ने एब्सॉर्ब किया है उसके चलते वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाता है, और वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाने से क्या होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होती है। इसके लिए मॉइस्चर करेक्शन करना बहुत जरूरी है। रेडीमिक्स प्लांट में तो ये पॉसिबल है, मॉइस्चर करेक्शन हो जाता है, लेकिन ये साइट में जब ये छोटा मिक्सर जो यूज होता है वहाँ, सॉरी, वहाँ मॉइस्चर करेक्शन करना जो है वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है, तो वो एक मिक्सर ड्राइवर के जजमेंट से ही हो जाता है। तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो जो है बढ़ जाने से कंक्रीट पुअर क्वालिटी का बनता है। उसके बाद में जो कंक्रीट का जो मिक्सर जो है ये इसको शेड के अंदर रखना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, बारिश का पानी ये हॉपर में पूरा गिर जाएगा और वो पानी मिक्सर में चला जाएगा, तो वो मतलब नहीं। तो इसके लिए जो मिक्सर है उसके लिए एक अलग से शेड बनाना चाहिए, जो शेड के नीचे रहेगा तो उसमें पानी डायरेक्टली घुसेगा। अभी ये ट्रांजिट मिक्सर है, इसका मुंह अगर ओपन रहेगा तो उसमें से पानी जाएगा, तो उसको इसके लिए कंक्रीट जब इसमें से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो उसका जो मुंह है उसको आपको कवर करना है प्लास्टिक शीट से। ये बैरो व्हील में से कंक्रीट हम साइट में ले जाते हैं, इसको भी आपको कवर करके ले जाना है, वरना बारिश का पानी ये कंक्रीट में घुस जाएगा और वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा देगा। अभी ये फुटिंग का कंक्रीट है हम लोग कर रहे हैं, ये कॉलम का कंक्रीट कर रहे हैं। तो फुटिंग में क्या करेंगे, तो अंदर अगर पानी पूरा भर गया तो इसके लिए तो बस पंपिंग करो, पानी पूरा निकालो और उसके बाद में जो है इसको कंक्रीट करो। कंक्रीट करके बाद में उसको जो है प्लास्टिक शीट से कवर करके छोड़ो। और जहां तक कॉलम का सवाल है, ये कॉलम जो है आप कंक्रीट करते करते नीचे से कंक्रीट की भराई करो ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है रेन को एक्सपोज हो जाएगा, तो यहाँ का ऊपर का जो 6-7 इंच का कंक्रीट है ये वीक हो जाएगा क्योंकि उसका वाटर सीमेंट रेशो बढ़ चुका है। तो आपको क्या करना है, जब यहाँ नेक्स्ट लिफ्ट जो कंक्रीट की आप भरेंगे तो उस टाइम में ये ऊपर का जो पुराने कंक्रीट का 6 इंच जो है, 6-7 इंच, इसको तोड़ के डिस्कार्ड करना है, क्योंकि अदरवाइज ये 6-7 इंच वाला जो वीक कंक्रीट है ये कंक्रीट को
मतलब बीच में जो है एक वीक सेक्शन जैसा प्रोड्यूस कर देगा, तो इसके लिए ये हटा के फिर उसके बाद में जो है ऊपर का कंक्रीट आपको करना है। अभी हम बात करते हैं टेरेस वाटर प्रूफिंग की। ये ब्रिक बाइट को वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है। अभी ड्राई सीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा काम। उसके बाद में अगले दिन जो फिनिशिंग होगी उसके ऊपर फिनिशिंग करके बाद में जो है फिर पानी जो है उसमें भर के रखेंगे, क्यूरिंग करेंगे। लेकिन बारिश में अगर आप ये काम करेंगे तो सीमेंट तो बह के निकल जाएगा, तो फिर वो वाटर प्रूफिंग का काम पक्का नहीं होगा। तो इसके लिए जब बारिश हो रही है तो वाटर प्रूफिंग का काम एज फार एज पॉसिबल जो है नहीं होना चाहिए। रेनी सीजन में टेरेस का वाटर प्रूफिंग का काम जो है एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। अभी ऐसा है, अगर आपने वाटर प्रूफिंग का काम कर दिया उसके बाद में 2 दिन बाद अगर बारिश आती है तो वो बहुत अच्छा है। इन दैट केस क्या होता है, आपका जो काम है उसको क्यूरिंग जो है बहुत तगड़ी मिलती है, बहुत जबरदस्त क्यूरिंग हो जाती है बारिश में उसकी। और ये काम जो है एकदम पक्का काम होता है बारिश में। जो काम होने के बाद अगर बारिश होती है उसमें जो क्यूरिंग का जो बेनिफिट मिलता है तो उसमें जो है काफी पक्का काम हो जाता है। लेकिन एज फार एज पॉसिबल रेनी सीजन में टेरेस वाटर प्रूफिंग का काम जो है अवॉइड करना चाहिए। सडनली कब बारिश शुरू हो जाए और आपका काम चौपट हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी जो बिल्डिंग के बाहर के जो काम होते हैं एक्सटर्नल वर्क, जैसे एक्सटर्नल प्लास्टर हो गया, एक्सटर्नल प्लास्टर जो है एज फार एज पॉसिबल आपको रेनी सीजन में करना ही नहीं चाहिए। अगर प्लास्टर करना है तो रेनी सीजन शुरू होने से पहले बाहर का प्लास्टर करके रखो। अगर बाई चांस वो चांस नहीं मिला तो फिर बाहर का प्लास्टर का काम जो है करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो कच्चा गीला जो मसाला है उसमें अगर बारिश हो जाती है तो फिर वो पूरा एक तो बह के निकल जाएगा मसाला, या तो फिर उसमें क्या हो जाएगा वो सीमेंट को मतलब जो है वॉश आउट करेगा तो फिर वो प्लास्टर पोरस हो जाएगा, और जब बाद में अगले साल बारिश हो जाएगी तो पूरा वो दीवार के अंदर प्लास्टर के थ्रू जो पानी है वो दीवार से पार हो करके अंदर की तरफ जो है दीवार पे आपको पूरा पानी जो है सीपेज के थ्रू दिखेगा, आपका पेंट खराब हो जाएगा। तो उसमें जो है इसके लिए बाहर का जो काम है प्लास्टर का हो या कोई भी बाहर से पाइप का लगाने का प्लम्बिंग का जो बाहर से जो काम होता है ये रेनी सीजन में एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। अभी आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हो रही हैं, जैसे कि रोड का काम चल रहा है या डैम का चल रहा है, पावर सेक्शन का, एयरपोर्ट का काम चल रहा है, तो ऐसी साइट्स में ये जेसीबी या क्रेन्स का इस्तेमाल होना तो बहुत कॉमन है। तो अगर ये जैसे भी समझो कीचड़ में फंस जाता है और तो उसको बाहर निकालना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए और दूसरी क्रेन मंगानी पड़ेगी साइड, और वो अगर आपका सरफेस हार्ड नहीं है साइड में अगर सब जगह कीचड़ कीचड़ हो गया तो बाहर से जो क्रेन आई है वो भी फंस जाएगी। तो इसके लिए जहाँ आप हेवी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जैसे कि ये है क्रेन है, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो साइट का जो अप्रोच रोड वगैरह जो है वो एकदम पक्का वाला रोड होना चाहिए उसमें। अभी आप देख रहे हैं यहाँ जो क्रेन है ये क्रेन ऑलरेडी इसका एक पहिया जो है फंस गया है कीचड़ में, ये लुढ़क गई है। अगर ये इन आदमियों पे गिरती है यहाँ आदमी लोग फंस तो क्या हो जाएगा, तो फेटल एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसके लिए वेट सॉइल जहाँ होती है ना गीली मिट्टी जो है उसमें ये स्लिप हो सकता है, टॉपल हो सकता है, तो आपको ये बारिश के सीजन में एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ेगी। तो हम करें तो क्या करें, बारिश की सीजन में तो करने के लिए बहुत है। आप इंटरनल काम करो, जैसे कि इंटरनल प्लास्टरिंग का काम है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे टॉयलेट्स में प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन का जो काम है मतलब सारी पाइपलाइनें घुमाओ, टॉयलेट के जो कमोड्स हैं वॉश बेसिन बिठाओ, और बाकी जितने भी मतलब आपके नाने ट्रैप है वो सब बिठाने का काम आप कर सकते हैं बाथरूम में। फिर टाइल फिक्सिंग का काम हो सकता है,
टाइल फिक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्डिंग के अंदर हो तो टाइल टाइल बिठाने का काम कर लो, फिर पेंटिंग का काम हो सकता है, फिर डोर एंड विंडोज बिठाने हैं आपको, उसकी फ्रेम्स बिठानी है, तो वो सारा काम हो सकता है। तो जो बिल्डिंग के अंदर रह के जितने भी हम लोगों को काम, मतलब जो हमारे स्कोप में आते हैं, तो उसको उसी तरह से प्लान करना चाहिए। जितने भी बाहर के जो एक्सटर्नल वर्क हैं वो बारिश शुरू होने से पहले खत्म करो, और बारिश सीजन, बारिश का जो सीजन है उस सीजन में बिल्डिंग के अंदर जो जितने भी काम जैसे मैंने थोड़े लिस्ट किए हैं उनको जो है आप चालू रखो, सो दैट आपका लेबर बिजी रहेगा, काम भी चलता रहेगा, और जो आपका जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है तो उसमें जो है कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो आप टाइम पे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकेंगे। अभी मटेरियल प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो सबसे साइट में मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है वो सीमेंट है, बाकी आपकी गिट्टी जो है या एग्रीगेट्स है, सैंड है, वो अगर गीली भी हो जाती है तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ वाटर एब्सॉर्प्शन का इश्यू होता है, तो वो मॉइस्चर करेक्शन करके आप मिक्स डिजाइन में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, करेक्शन ला सकते हो। लेकिन सीमेंट अगर गीला हो जाए तो क्या करेंगे, सीमेंट तो पूरा खराब हो जाएगा, उसमें मॉइस्चर पकड़ लेगा तो केमिकल रिएक्शन हो गया कि सीमेंट में ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सीमेंट को आपको सबसे ज्यादा मतलब वो करना है, तो प्रोटेक्ट करते हुए खबरदारी लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं जो सीमेंट का जो गोडाउन है इसका जो एक तो उसकी प्लिंथ जो है कम से कम 3-4 फुट ऊपर होनी चाहिए ताकि बाहर वाटर लॉगिंग भी हो जाए तो सीमेंट के गोडाउन में पानी ना घुसे। सीमेंट जो है डायरेक्टली फ्लोरिंग पे नहीं रखना है उसको, ऐसे ये वुडन प्लेटफॉर्म जो है बनाए हैं ना, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टारपोलिन डाल के फिर वो उस सीमेंट को रखा है, तो ये पूरा टारपोलिन जो है ऐसा ऊपर तक पूरा कवर होना चाहिए ताकि सीमेंट जो है मॉइस्चर ना पकड़े। फिर ये जो पीछे दीवार दिख रही है तो ये दीवार जो है दीवार से 2 फुट डिस्टेंस गैप रख के फिर बाद में सीमेंट को स्टोर करना है, ये नहीं है कि ये सीमेंट की बैगें जो है दीवार के ऊपर चिपकी लगी है, फिर क्या हो जाएगा, बाहर का जो पानी है वो अंदर आ जाएगा सीपेज के थ्रू और ये सीमेंट को गीला कर देगा, सीमेंट में ग्रैनुल हो जाएंगे। फिर इसका जो रूफ है गोडाउन का ये लीक प्रूफ होना चाहिए, आपने साइड पूरा कवर कर लिया और ऊपर से पता चला कि आपका जो ऊपर जो गैलोनेज शीट लगी है या जो भी है उसमें जो पूरा लीकेज हो रहा है और सीमेंट खराब हो रहा है, जो भी नहीं चाहिए। ये एग्रीगेट्स हैं, 20 mm, 10 mm गिट्टी है, फिर ये सैंड है, इसको शेड के अंदर अगर आप रखते हैं तो अच्छा खासा रेंज से उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इट इज आइडियल कि अभी आप आरएमसी प्लांट जाओगे तो आप देखेंगे तो ऐसी शेड आपको वहां बहुत कॉमनली मिलेगी, शेड के अंदर एग्रीगेट और वो सब पड़ा रहता है, तो ये सही तरीका है वाटर टाइट शेड में उनको स्टोर करना। अब हम आते हैं स्टील का प्रोटेक्शन कैसे करें, स्टील भी जो है डायरेक्टली जमीन में मट्टी पे नहीं रखना है, तो आपको ये वुडन ब्लॉक्स जो यहाँ रखे हैं कम से कम 6 बाय 6 के रहेंगे, 6 बाय 6 इंच के, तो जमीन से ऊपर जो है 6 इंच ये स्टील जो पड़ा है उसको टारपोलिन से कवर भी करना है, मतलब ऐसे रखना है ताकि जमीन से मतलब पानी अगर नीचे अगर इकट्ठा भी हो जाता है तो पानी से ये ऊपर रहेगा और प्लस ऊपर से पानी डायरेक्टली उसको नहीं गिरेगा रेन का, तो ये टारपोलिन शीट आप देख रहे हैं, तो इसको आप जो है कवर करना है। और उससे भी अच्छा तरीका यह है कि स्टील स्टोरेज के लिए एक ऐसे रैक बनाया जाए और रैक बना के उसमें जो है अलग अलग डायमीटर के जो बार हैं वो अलग अलग सेक्शन में, जैसे यहाँ 20 रखा, उसके नेक्स्ट में 16 mm का बार रखा, उसका नेक्स्ट में 12 mm का बार रखा, तो ये सब करना चाहिए क्योंकि स्टील जो रस्ट हो जाता है तो उसमें उसकी जो कंक्रीट के साथ जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है और रस्ट वाला जो स्टील है, स्टील रस्ट होने से कंक्रीट में क्रैक भी आ सकते हैं, तो इसके लिए हमें
ये स्टील को भी बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो अभी मैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं टाटा डिस्कॉन वाले, वो उनका एक प्रोडक्ट फिल्म आपको दिखाना चाहते हैं, छोटी सी फिल्म है। तो मैं स्पॉन्सर्स को यहाँ गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जो फिल्म है प्रोडक्ट फिल्म वो आपको दिखाएं, और उसके बाद में जो है मैं दोबारा मेरा प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करूंगा। स्पॉन्सर प्लीज।
ये आगे नहीं होता है। सो हमने अभी अभी एक प्रोडक्ट फिल्म देखी जो है टाटा टिस्कॉन की तरफ से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट उन्होंने दिखाई है आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और इससे जो बेनिफिट्स हैं उसका लाभ उठाएंगे। तो अब जो है हम रेनी सीजन में वर्कर्स की जो स्टे फैसिलिटीज होती है, टेम्पररी जो क्वार्टर्स बने हुए होते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। आप ये जैसे फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये इन लाइन दोनों साइड में जो देख रहे हैं कि रूम्स बने हुए हैं वर्कर्स के रहने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ बारिश गिरी हुई है, ऑलरेडी पानी यहाँ जमा हुआ है। अगर ये बारिश जैसे आजकल होता है कि कंटिन्यूसली 10-15 घंटे चलती रही, तो हो सकता है ये पानी का लेवल बढ़ जाए और ये प्लिंथ जो है ये शैलो होने की वजह से अंदर पानी घुस जाए। अभी ये जो बनाया हुआ है ये सही तरीका नहीं है। एक्चुअली ये जो फ्लोर लेवल है इस रूम का, ये बाहर की जमीन से कम से कम एक फुट जो है वो ऊपर होना जरूरी है। वो ऐसे अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में आप सोच लो पानी अंदर चला जाएगा, पूरा रूम पानी से भरा जाएगा, तो ये बेचारा जो वर्कमैन है वो साइट में काफी हेवी फिजिकल वर्क करता है और वो बाद में अपने रूम में जाता है और पूरा पानी भरा हुआ है, सो नहीं पा रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, तो अगले दिन काम पे कैसे आएगा। तो इसके लिए जो ये जो टेम्पररी क्वार्टर्स जो बनते हैं, तो उसका एक तो अप्रोच रोड जो है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो कच्चा अप्रोच रोड होता है, तो वर्कर जो है अपने क्वार्टर को क्वार्टर की तरफ पहुंच ही नहीं पाते हैं, इतना मतलब जो वहां कीचड़ हो जाता है, पूरा गीला रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, तो साइड से उनके जो टेम्पररी क्वार्टर हैं तो वहां जाने का रास्ता पक्का होना चाहिए। ये जो प्लिंथ जो है आप जैसे देख रहे हैं ये एक फुट कम से कम जो है बाहर की जमीन से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में ये जो ऊपर जो कवर टॉप कवर लगे हैं ये एब्सोल्युटली वाटर टाइट होना चाहिए। अभी अगर ये जो शीट्स हैं इनमें से अगर लीकेज होती रहेगी पूरे रेन के दौरान, तो अंदर कैसे रहेंगे, रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ये वाटर टाइट शीट्स होना बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो एरिया है इसमें चारों तरफ से इसको पूरी तरह से इल्यूमिनेट करना है, मतलब जो है बत्तियां चारों तरफ से बाहर से लगी होनी चाहिए रात में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर वो रात को 1:30-2 बजे अपना काम खत्म करे साइट में जा रहा है तो अंधेरे में कहीं वो लुढ़क जाए, कहीं गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्वार्टर्स के जो इर्द गिर्द में जो एरिया है उसको चारों तरफ से बल्ब और वो हेलोजन लैंप लगा के उसको पूरा इल्यूमिनेट करना है, तो ये बहुत जरूरी बनता है। और वर्कर्स का जो यहाँ जो है सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके हिसाब से जो है कि यहाँ जो है रेनी सीजन में पानी वगैरह जो है तो साफ सुथरा पानी उनको मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। साइट में सेफ्टी बहुत मायने रखता है, तो बारिश के मौसम में
साइट में अभी बहुत सारे लोग होते हैं कि समझदार होते हैं, लेकिन जो वर्कर लोग जो हैं उनके लिए उनकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी साइन बोर्ड्स का जगह जगह पे लगाना बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस पेरेंट एंड एडवाइस टू वॉर्न चिल्ड्रेन ऑफ द डेंजर ऑफ द, मतलब जो है बच्चों को जो है साइड से दूर रखो। फिर ये दूसरा लिखा है रिपोर्ट ऑल एक्सीडेंट्स इमिडिएटली, मतलब अगर कोई छोटा मोटा हादसा भी हो जाता है तो उसको इमिडिएटली साइट में जो साइट ऑफिस है वहाँ जो मैनेजर बैठे हैं तो उनको इमीडिएट उनको तुरंत बताना है ताकि वो आके फर्स्ट एड, मतलब जो है जो भी दवा देनी है जो भी उसके लिए अगर अस्पताल पहुंचाना है वो सब हो जाएगा। फिर ये बारिश में आप देख सकते हैं ये इस तरह के जो गमबूट्स हैं ये लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको जो है पैरों को प्रोटेक्शन मिल सके। फिर सेफ्टी हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये जैकेट्स जो पहने हैं रात के समय स्पेशली, ये बिना जैकेट पहने अगर काम करेगा बंदा तो पता ही नहीं चलेगा अगर कुछ 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 अगर वो कहीं काम कर रहा है तो। इसमें आपको मालूम है ना ये इल्यूमिनेटेड रहता है, मतलब ये जो पट्टियां जो यहाँ दिखाई है ये इसके ऊपर लाइट गिरने से वो चमकती है तो पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ कोई बंदा काम कर रहा है। तो ये जैकेट पहनना बहुत जरूरी है रात के समय रेनी सीजन में। फिर अगर कहीं डीप एक्सकेवेशन हो रहा है तो वहाँ ये साइन लगाया हुआ है कि भाई यहाँ डीप एक्सकेवेशन है उससे दूर रहो नहीं तो आपको गड्ढे में गिर जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जान माल का नुकसान हो जाएगा। फिर ये जो मेन रोड है तो उसमें जो ट्रकें सामान लाती हैं ले जाती है वगैरह है तो रात के समय जो है रेनी सीजन में पर्टिकुलरली ऐसी साइन होनी चाहिए कि जिस रोड पे ट्रकें घूमती हैं तो वहां जो है ट्रकों का आना जाना लगा रहता है ये दिखाने वाले बोर्ड होने चाहिए। और जिसका साइट में कोई काम नहीं है मतलब अनऑथोराइज पर्सन जो होता है जो जो फालतू के लोग हैं जिनका साइट से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को साइट में घूमने को अलाउ नहीं करना है तो इसके लिए फिर ये बोर्ड जो है लगे हैं। ऐसे बहुत तरीके के बोर्ड हैं जैसे कि ये हाई वोल्टेज वाला है जहाँ से मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ मीटर लगे हुए थे जहाँ से करंट जो है पूरे साइट में सप्लाई की जाती है तो वहाँ उस रूम के बाहर ये लगाना जरूरी है हाई वोल्टेज का बोर्ड ताकि कोई अंदर घुसे ना और गलती से नंगी जो वायर होती है लाइव उसको टच करके शॉक लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई जगह पे खड़े खड़े आदमी जो है राख हो जाएगा। तो स्लिपरी वेन वेट ये बोर्ड है ये बहुत जरूरी है बारिश के दिनों में, मतलब जो है यहाँ फिसलने का डर है गिरने का डर है तो वो बोर्ड लगाना जरूरी है। फिर जहाँ बहुत ऐसे डीप गड्ढे हैं तो उसका काम हो रहा है तो उसमें गिरने का डर है तो उसका बोर्ड यहाँ लगाया है। और ऐसी कुछ एरिया होती है जहाँ मतलब गड्ढे जो है खोद के रखे हैं तो उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वहाँ सॉइल लूज होती है तो चलते चलते अगर उसके किनारे गड्ढे के किनारे पे खड़े हो जाओ तो आप बारिश में वो और भी कच्चा हो जाता है मिट्टी का जो स्तर होता है तो उसमें से गड्ढे में गिरने का डर रहता है। तो इस तरह की जो डिस्प्ले वार्निंग साइन जो है ये बहुत जरूरी है। और वो जो साइट के जो एक्सकेवेटेड पिट्स हैं तो उसके बगल में जो है एक काइंड ऑफ कंपाउंड वॉल जैसे बना के उसमें रिफ्लेक्टिव टेप लगा के या तो रिवॉल्विंग ऐसे रेड लाइट्स लगे हुए रहते हैं ये दिखाते हैं कि यहाँ अंदर जाना मना है डेंजर है, तो ये सारा जो है साइट में एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है। और बारिश के दिनों में तो उसकी जरूरत जो है दुगनी हो जाती है। अभी इतना सब करने के बाद भी अगर समझो कुछ एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो फिर उसमें
फिर एक्सीडेंट हो जाने के बाद क्या करना है? तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद में तो वो जो बंदा जो इंजोर हो गया है, जिसको इमिडिएटली मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो उसको जो है तुरंत अस्पताल पहुंचाना है। तो उसके लिए उससे पहले तो फर्स्ट एड देनी है, मतलब आपके साइट ऑफिस में जो है फर्स्ट एड का अरेंजमेंट होना चाहिए। फर्स्ट एड मतलब तुरंत जो आपको मेडिकल सहायता करनी है, तो हो सकता है वो फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब होना बहुत जरूरी है साइट ऑफिस में। फिर एम्बुलेंस, अगर मतलब साइट में अगर बाय चांस नहीं रखी है, अगर बहुत बड़ी साइट है तो आजकल जो है एम्बुलेंस भी जो है साइट में एक परमानेंटली खड़ी रहती है, कि वो कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो फट से फटाक से जो है बंदा जो है एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल में ले जाए। अगर छोटी साइट है तो फिर साइट में एम्बुलेंस जहां से मंगा सकते हैं उस एजेंसी का नंबर, अस्पताल का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर अगर आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट होके, तो ये सारे टेलीफोन नंबर जो है एक बोर्ड पे लिखे हुए होने चाहिए, ताकि किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फोन करना है तो ये नहीं कह रहे मुझे उसका फोन नंबर का पता ही नहीं है, ऐसे नहीं है। वहां जाएगा तो उसको पता चलेगा, अरे हाँ ये फोन नंबर पे डायल करना है, और डायल करके जो भी आपको हेल्प चाहिए, भले एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड को मतलब फोन करना हो, या अस्पताल में फोन करके बोलना है कि भाई हमारा साइट में एक बंदा इंजर्ड हो गया, उसको हम दे आ रहे हैं, तो ये जो भी है ये सारा हो सकता है। अभी इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये रात का नजारा है, इसमें बहुत बड़ी साइट है, इसमें सब जगह आपको बत्तियां जल रही हैं और ऐसे लगता है कि दिन में ही काम कर रहे हैं, तो ये सही तरीका है। तो बारिश के दिनों में अगर रात को काम करना है तो इस तरह से साइट को पूरी तरह से इल्यूमिनेट करना बहुत जरूरी है। अंधेरा है और उसमें बारिश हो रही है और उसमें काम हो रहा है, ये मतलब कभी होना ही नहीं चाहिए। नाइट शिफ्ट का काम बारिश के दिनों में करना नहीं चाहिए, अगर करना पड़े तो फिर जैसे यहाँ दिखाया है पूरी पूरी लाइटिंग की व्यवस्था जो है होनी चाहिए, और मैन पावर की सेफ्टी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पर्टिकुलरली साइट में जो है पानी जो इकट्ठा हो जाता है गड्ढों में वगैरह, तो बहुत सारे साइट में देखा गया है कि इसमें पानी में लोग फिसल के गिर जाते हैं, फिर तैरना आता नहीं है, डूब के मर जाने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है, तो स्लिपरी सरफेसेस होते हैं, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। तो नाइट का काम जो है एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग जो है, स्कैफोल्डिंग पे जो लगे होते हैं, तो उसमें वर्कर्स को चढ़ के काम करना तो पड़ता ही है, तो बारिश के दिनों में क्या होता है स्कैफोल्डिंग स्लिपरी हो जाता है, तो स्कैफोल्डिंग से गिर के एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो है वर्कर लोगों को ये सेफ्टी बेल्ट जो है ना, इसका इस्तेमाल जो है 100% करना ही करना है। ये सेफ्टी बेल्ट में इधर जो हुक लगा होता है ना, ये हुक स्कैफोल्डिंग को एक साइड में लगा देंगे, तो अगर पैर फिसल भी जाएगा तो वो हुक जो है इसको गिरने से बचा देगा, तो ये सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन होना भी बहुत जरूरी है बार बार, क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग नीचे जमीन पे टिका हुआ है, अगर वो जमीन गीली हो जाती है और ढीली हो जाती है तो उसमें ये स्कैफोल्डिंग जो है उसका सपोर्ट नीचे वीक होने से लुढ़क सकता है स्कैफोल्डिंग, और ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग वो गिर सकते हैं, तो इसके लिए ये बार बार जो स्कैफोल्डिंग जो है ना एकदम ठीक तरीके से मजबूती से खड़ा है कि नहीं, ये बार बार देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रिक मेंस जो साइट में लगे हुए होते हैं और बहुत सारी कनेक्शंस होती हैं जो बिटर रूम से बाहर निकलती हैं, तो उसको रेन से बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है, मतलब वो एक उसका जो
शेड है जहां से ये मीटर रूम है, तो उसको पूरा ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज आपको मालूम है ये पानी अगर घुस जाए उसमें तो शॉर्ट सर्किट हो करके आग लग सकती है, शॉक लग के वहां जो काम करने वाले हैं वो लोग मर भी सकते हैं। तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रिक का जो मेन मीटर रूम है वो ड्राई होना जरूरी है। बारिश के सीजन में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और बहुत जगह लूज अर्थिंग कनेक्शन होता है, जो इक्विपमेंट को कनेक्शन देते हैं तो उसमें अर्थिंग जो है सही तरीके से नहीं होता है, तो वहाँ उस इक्विपमेंट को आप चालू करो तो इमिडिएटली शॉक लग जाता है, तो वो भी बहुत डेंजरस है। तो इसके लिए जितने भी अर्थिंग कनेक्शन हैं वो पक्के हैं कि नहीं, इसका एग्जामिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो अभी हमने बहुत सारे आइटम्स कवर किए हैं, हो सकता है कहीं आइटम कवर करना छूट भी गया हो, क्योंकि 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में जो टाइम दिया गया है उसमें जितना मैक्सिमम हो सके हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो अब जो है हम समरी करेंगे जो हमने आज के प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था। तो जैसे कि हमने देखा कि रेन जो है उसका जो इम्पैक्ट है, मतलब उसका जो परिणाम जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत सारे तरह से हो सकता है। जैसे कि बारिश में ओवरऑल डिस्टरबेंस तो हो ही जाता है, काम ठीक से कर नहीं पाते, प्लान नहीं कर पाते। आपने अगर काम प्लान भी किया है तो वो प्लान चौपट हो जाता है, फिर जो आज का काम है कल पे रखना पड़ता है, कल भी बारिश हुई तो परसों पे रखना पड़ता है। तो इसमें काम को जो है आपको रीप्लान करना पड़ता है, वर्कर खाली बैठे रहते हैं, फिर टाइम का लॉस है, वर्कर को बिना काम के पकड़ देना है तो फाइनेंशियल लॉस भी होता है, फिर डैमेज हो जाता है प्रॉपर्टी का, डैमेज तो हो ही जाता है, फिर जितने मटेरियल्स आप साइट में ला के रखते हैं पर्टिकुलरली सीमेंट जो है खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा है बारिश के दिनों। सीमेंट को जो है आपको सबसे ज्यादा मतलब खबरदार होकर के प्रोटेक्शन करना है, बाकी एग्रीगेट है सैंड है तो इसको भी आपको शेड के अंदर रखना है। और जो टाइम लॉस जो हो रहा है तो उसके लिए जो है आपको आपका शेड्यूल जो है रिवर्क करना पड़ेगा, और जिस दिन बारिश नहीं होती है उस दिन जो है हो सकता है 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में काम करके जो टाइम लॉस हो गया उसको रिकवर करने की चेष्टा करनी चाहिए। और आपको जो है और भी बहुत सारे चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आप अगर एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो हमने जैसे आपको बताया कि एक्सकेवेशन की जो पिट्स हैं वो अगर काम की नहीं है तो उसको मरून या पत्थर डाल करके बंद कर देना चाहिए, अगर वो काम की है तो उसमें फिर उसका साइड में जैसे जिसको कटिंग और शोरिंग कहते हैं, मतलब जो गड्ढे की जो साइड की जो साइड्स हैं तो उसमें मेटल या वुडन प्लैंक्स लगा के उसको सपोर्ट करके वो मिट्टी को गिरने नहीं देना है, आपको वो करना है। तो इसके बाद में जो कंक्रीट की जो रोड है तो क्या कहते हैं कंक्रीटिंग की एक्टिविटी जो है तो वो अगर करनी है तो आपको प्री प्लान करना पड़ेगा, वो कंक्रीट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टारपोलिन शीट और प्लास्टिक शीट पहले रेडी रखनी पड़ेंगी, फिर जो अप्रोच रोड्स हैं वो हार्ड होने चाहिए ताकि स्लिपरी सरफेस से एक्सीडेंट ना हो जाए, फिर टेरेस वाटरप्रूफिंग की जैसे मैंने बात करी टेरेस वाटर प्रूफिंग को रेनी डे पे अवॉइड ही करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल, टेरेस वाटर प्रूफिंग को रेनी सीजन शुरू होने से पहले ही कर देना चाहिए ताकि रेनी सीजन में पूरा उसको क्यूरिंग मिले एकदम फर्स्ट क्लास। फिर एक्सटर्नल जो काम होते हैं वो भी जो है रेनी सीजन के पहले ही करने चाहिए, और रेनी सीजन में पूरे इंटरनल वर्क होते हैं जैसे प्लम्बिंग वर्क हो गया, पेंटिंग वर्क हो गया, टाइलिंग वर्क हो गया,
इंटरनल प्लास्टर का काम हो गया, पेंटिंग का काम, ये सारे काम हमको रेनी सीजन में प्लान करने चाहिए। फिर यूज ऑफ जेसीबी क्रेन है या बड़े बड़े जो इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उनको जो है रेनी सीजन में हार्ड सरफेस पे यूज करना चाहिए, वहां या तो वो फंस जाएंगे कीचड़ में या लुढ़क जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। सारे मटेरियल जो साइट में है उनको प्रोटेक्शन करना है। वर्कर की स्टे फैसिलिटीज, जैसे क्वार्टर के बारे में हमने बात करी, क्वार्टर्स में मतलब जो है उसका प्लिंथ हाई होना चाहिए, पानी नहीं घुसना चाहिए साइड से, नीचे से, ऊपर से, छत से, और वहां प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए पूरी रात में भी। अगर 2 बजे भी वर्कर घर जाता है तो उसको जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो और भी बहुत सारी प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। तो हमने आज के इस प्रेजेंटेशन में जितना इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको कवर किया है। तो इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना समय दिया मुझे प्रेजेंटेशन को सुनने का। तो अभी जो है मेरा प्रेजेंटेशन में यही रोक देता हूँ, और जो क्वेश्चंस हैं कुछ अगर हैं तो मैं उसको आपने क्वेश्चन बॉक्स में अगर डाला है तो उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं। क्वेश्चंस तो इंग्लिश में ही पूछे हैं, भले मेरा प्रेजेंटेशन हिंदी में है कोई बात नहीं। ये पहला क्वेश्चन है काजल खाकरिया, काजल खाकरिया ने ये पूछा है कि हाउ टू एंश्योर दैट वर्कर्स रिमेन हेल्दी ड्यूरिंग मॉनसून। तो इसमें बहुत सिंपल चीज ये है कि बीमार तो वर्कर तभी गिरेंगे अगर वो पानी में भीग जाएंगे। तो इसके लिए जो है वर्कर्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मतलब एक तो पूरा रेनकोट वगैरह डालना है, उनके पास छाते होने जरूरी हैं, प्लस गम्बूट्स डालने हैं ताकि उनके पैर जो हैं ड्राई रहें, और उनको जो है हेल्दी फूड खाना चाहिए, गरम गरम फूड खाना चाहिए, बासी फूड खाना नहीं चाहिए वर्कर्स को। और एज फार एज पॉसिबल अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए उनको हेल्दी हेल्दी हैबिट्स रखनी पड़ेगी। दूसरा सवाल है, नेहा शाह ने पूछा है व्हाट केयर शुड वी टेक व्हाइल ऑर्डरिंग एंड स्टॉकिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ऑर्डरिंग करते हुए आपको जो है बारिश के मौसम में ह्यूज इन्वेंट्री कैरी नहीं करनी है, मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए जितना जो मटेरियल लगता है उतना ही मटेरियल आपको मंगाना चाहिए। और जहां तक स्टॉकिंग का है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जैसे कि स्टील का मैंने बताया कि रैक्स रैक्स बना के उसमें वो स्टील रखना है और उसको प्रोटेक्शन करना है पावर से। गोडाउन के बारे में हमने बात करी, सीमेंट का जो गोडाउन जो है टोटली वाटर टाइट होना चाहिए, उसको नीचे से ऊपर से सब जगह से टार्पोलिन से कवर करना चाहिए। एग्रीगेट और सैंड है उसको जो है आपको शेड के अंदर स्टोर करना चाहिए ताकि वो भीगे ना। अगर वो भीग जाएगा तो उसका वाटर एब्सॉर्प्शन जो हो जाएगा उससे मॉइस्चर कंटेंट जो है हेवी हो जाएगा और वाटर सीमेंटेशन डिस्टर्ब होएगा कंक्रीट का, और वाटर सीमेंटेशन बढ़ने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये ख्याल आपको करना है। अभी काजल खतानी ने और एक सवाल पूछा है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ड्यूरिंग रेन, एनी सेफ्टी एडवाइस व्हाइल यूजिंग। तो इलेक्ट्रिकल जो मीटर रूम होता है जहां से आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन सारे इक्विपमेंट्स को और सब जगह आप देते हैं, तो वो जो रूम है तो वो रूम इज लाइक अ मदर ऑफ ऑल रूम्स। तो उसमें आपको ओनली अथोराइज पर्सन शुड एंटर, और वो अंदर जाके काम भी जब करेगा तो उसके हाथ में वो सेफ्टी ग्लोव होते हैं वो उसको यूज करने हैं ताकि कोई दंगी वायर जो है उसे गलती से अगर हाथ भी लग जाए तो उसको शॉक न लगे। और साइट में भी जितने
इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जहां जो इलेक्ट्रिकल जो पैनल बोर्ड होता है, जहां से करंट मतलब जो सॉकेट्स में हम लोग प्लग लगाते हैं, तो वहां जो उसको जो है आपको प्रोटेक्शन शेड देना है, उसके ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं गिरने देना है, अदरवाइज वहां शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एंड मेनली जो है पैरों में रबर के शूज और हाथ में जो है जो प्रोटेक्टिव ग्लोव्स हैं, वो नॉर्मल ग्लोव्स नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रिक का जो मतलब मीटर रूम में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग आते हैं तो खंबे पे चढ़ के काम करते हैं, तो उनके हाथ में वो अलग से मोटे ऐसे ग्लोव होते हैं, उसको यूज करना चाहिए। फिर नेहा शाह, हाँ, और एक सवाल है, एनी सेफ्टी एडवाइस वेल यूजिंग डीजल जनरेटर एट साइट? डीजल जनरेटर के लिए तो कोई ऐसी कोई सेफ्टी की वो नहीं है, क्योंकि उससे तो कोई इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह तो लगता नहीं है। ओनली थिंग इज ये डीजल जनरेटर जो है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है वो इलेक्ट्रिसिटी तो शॉक देती है ना, तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने जो बताया वही इलेक्ट्रिसिटी कमिंग आउट ऑफ डीजल जनरेटर जो है उसके लिए भी आपको यूज करना है। वन मोर क्वेश्चन बाय नेहा इज, एनी प्लानिंग टिप्स फ्यू वीक्स बिफोर टू द मॉनसून स्टार्ट? तो एनी प्लानिंग टिप्स के बारे में मैं ये कहूंगा कि स्पेशली सीमेंट का जो गोडाउन है, अगर उसमें टेरेस में उसके जो रूफ में या कहीं और वॉल्स में अगर कहीं छेद है तो वो सारे बंद करने चाहिए, उसको अगर बहुत सारे लीकेजेस के चांस है तो उसको टारपोलिन से कवर करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो सेफ्टी साइन बोर्ड जो है वो सारे जो है मानसून में जो प्रिकॉशन करने वो सारे आपके साइट में लगने चाहिए। और बाकी वन मोर क्वेश्चन इज अजल, What care will do we take while ordering and stocking? Already, I think I have answered that. So I think मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर किए हैं। सिर्फ काजल और नेहा ने ही सवाल पूछे हैं, लगता है बाकी लोगों को इतने डाउट्स नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो आई एम क्लोजिंग दिस सेमिनार एंड थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। फिर अगले सेमिनार में मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।